नमस्कार, स्वागत है आपका। चीन में कोरोना महामारी के बाद अब एक और महामारी ने एंट्री ले ली है। डर सबसे ज्यादा चीन में ही है इस वक्त पे, क्योंकि ये जो महामारी है ये ऐसा नहीं है कि वहां पहली बार आई है, लेकिन इसका आतंक हमेशा से चीन में देखा गया। मैं बात कर रहा हूं बुबोनिक प्लेग की, और इसकी पुष्टि उसी अखबार ने की है जो चीन की सरकार का एक तरह से सरकारी भोपू है, यानी ग्लोबल टाइम्स की मैं बात कर रहा हूं। ग्लोबल टाइम्स ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि ये जो संडे बीता है यहीं से जो पहला एक्टिव मामला है इस प्लेग केस का, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो चूहों की वजह से फैलती है, रैट की वजह से फैलती है, तो इसकी पुष्टि कहीं ना कहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने की है। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से COVID-19 का शिकार इस वक्त पे पूरी दुनिया है, दुनिया के अलग अलग देश, जिसमें भारत का स्थान भी अब दूसरे नंबर पर है, अमेरिका सबसे ज्यादा केसेस, एक्टिव केसेस अमेरिका में है, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अभी दुनिया इस बीमारी से रिकवर नहीं कर पाई है, कि ये जो एक और मामला है ये सामने निकल कर आ रहा है, और इस ये बीमारी भी क्योंकि एक वायरल है और कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब ये बीमारी भी ऐसा नहीं है कि बहुत हद तक इस पर चीन कंट्रोल पा पाया है, क्योंकि अलग अलग दशकों में इस बीमारी को चीन के लोगों ने झेला है। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है इस बुबोनिक प्लेग के बारे में, ये जो बताया गया है वो ये कि एक 3 साल के बच्चे में इसके जो है वो सबसे पहले लक्षण देखे गए हैं, और ये चीन के यूनान प्रांत के मेंघाई काउंटी का रहने वाला है, यानी वहीं से ये जो पहला मामला है वो निकल कर आया है। और हालांकि प्लेग के जो फैलने का मामला था वो पिछले हफ्ते भी इसके बारे में बातचीत हो रही थी, लेकिन जो डर था उसमें एक तरह से सच की मोहर रविवार को ही लगी, जब इस 3 साल के बच्चे में पहली बार इसके जो लक्षण थे वो पॉजिटिव पाए गए, संक्रमित पाए गए, और इसको लेकर के अब दुनिया भर का जो मीडिया है वो बात कर रहा है, डेली एक्सप्रेस से लेके, डेली मेल से लेके, चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स है, खैर ग्लोबल टाइम्स को तो हम बड़ा अखबार, ना तो उसकी प्रामाणिकता पर किसी तरह का कोई विश्वास है और ना ही उसकी किसी खबर पर, लेकिन जब दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर की चर्चा करनी शुरू की तो हमें लगता है कि आप लोगों को भी ये जानना चाहिए कि किस तरह से एक और वायरस कोरोना वायरस के बीच ही में, अभी कोरोना वायरस किस स्टेज पे है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं पर इसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पर इसकी एक दूसरी साइकिल रिपीट हो रही है। इंग्लैंड में कहा जा रहा है कि अभी ये 6 महीने बाद वापस लौटेगा अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ। इसके साथ हमने भारत में भी देखा है कि कहीं कहीं पर ये कम होता हुआ नजर आया था, जैसे केरल एक उदाहरण है, लेकिन उसके बाद फिर वहां पर कुछ केसेस बढ़े हैं। दिल्ली एक एग्जांपल है, शुरुआत में दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं थे, फिर एकदम रैपिड ग्रोथ होती है, फिर एकदम डिक्लाइन हम देखते हैं, फिर ये जो वेव है ये उठती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी है कि अभी हम कोरोना वायरस की कौन सी स्टेज में है ये बता पाना बहुत मुश्किल है, और इस दौरान चीन की तरफ से एक और वायरस, हम ये तो अभी नहीं कहेंगे कि दुनिया में फैल रहा है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि एक और वायरस का खतरा अब दुनिया पर मंडरा रहा है, जिसका नाम है बुबोनिक प्लेग। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।